मुझे बहुत खुशी है कि हम मध्य प्रदेश में 40,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। जो दिल्ली मुंबई हाईवे है वो 1382 किलोमीटर 1,00,000 करोड़ का 8 लेन मार्ग है और उसमें से दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में हम पहुंचेंगे। मुझे खुशी है कि मंदसौर जिले के गरोट तहसील से जो हम ये बना रहे हैं इसमें मध्य प्रदेश में भी काफ़ी काम हमने किया है। अभी करीब करीब इस मार्ग पर हमारे तरफ से 25,000 करोड़ का हम काम कर रहे हैं केवल मध्य प्रदेश में, ये भी काम पूरा हो रहा है। मेरी इच्छा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री अभी दिल्ली से जयपुर और सवाई माधोपुर तक के हमारे हाईवे का लोकार्पण करने वाले हैं। सेकंड फेज में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में इस हाईवे के उद्घाटन की डेट आने वाले 2-3 महीने में आप निश्चित करिए, इसका भी उद्घाटन लोकार्पण हम निश्चित रूप से करेंगे। जो शिवराज जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था वो था चंबल का अटल प्रोग्रेस वे, जिसको हम चंबल एक्सप्रेस वे और अटल प्रोग्रेस वे कह रहे थे। 15,000 करोड़ की लागत से 415 किलोमीटर लंबा अटल प्रोग्रेस वे बनाया जा रहा है। ये जो एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों से होकर ये इस क्षेत्र के विकास के लिए नया ग्रोथ इंजन साबित होगा। इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 306 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 37 किलोमीटर है, इटावा से शुरू होगा, राजस्थान में 72 किलोमीटर है और चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भीड, मुरैना से होकर कोटा राजस्थान तक जाएगा और वहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को मिलने वाला है, जिससे मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र का नया विकास होगा। शिवराज जी को मैंने एक प्रार्थना की है कि हम लोग ग्वालियर से आगरा नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और आगरा से दिल्ली हाईवे है, तो दिल्ली से ग्वालियर 3 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो मेरा सुझाव है कि इस हाईवे के आजू बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अगर होंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में और गति मिलेगी। इसमें हमारे एनवायरमेंट मंत्रालय के सुझाव पर कुछ अलाइनमेंट भी बदलने की आवश्यकता पड़ी है, हम उसको बदल रहे हैं और इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस वे से ये जुड़ेगा और कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। ये एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी जुड़ा जाएगा, जो मध्य प्रदेश के लिए और उपयोगी होगा। और एक एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे इंदौर से हैदराबाद तक, जिसकी लंबाई 687 किलोमीटर 6 लेन है, जो 15,000 करोड़ का है। इसका भी लक्ष्य हमने 2024 तक इसको पूरा करने का रखा है। मेरा विश्वास है कि ये भी हाईवे मालवा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। उज्जैन गरोट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे उज्जैन से मंदसौर जिले के गरोट तक 2700 करोड़ की लागत से हम 136 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। ये एक्सप्रेस वे उज्जैन, देवास, इंदौर और मेरठ के में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा और इसका काम 3 पैकेज में हो रहा है, ये भी मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से आगरा से ग्वालियर तक हमने ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण करने का निर्णय किया है। वर्तमान समय में 45,000 पीसीओस ट्रैफिक है और ये भी DPR बन रहा है और 2023 में इसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये मार्ग आगरा यमुना एक्सप्रेसवे लिंक से आरंभ होकर शमशाबाद उत्तर प्रदेश, धौलपुर राजस्थान के रजखेड़ा से मुरैना जिले के अम्बा होकर ग्वालियर बाईपास तक बनाया जाएगा। इस ग्रीनफील्ड मार्ग निर्माण के साथ 200 करोड़ खर्चा करके 95 किलोमीटर लंबे 4 लेन आगरा ग्वालियर पुराने मार्ग की भी मरम्मत का कार्य कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा मैंने की है।